आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं इतनी मोटी मोटी चपाती किसके लिए बना रही हूँ। वैसे ये मेरा डेली का होता है, बट मैं कभी कभी व्लॉग में लेती हूँ क्योंकि मुझे डेली ऐसा शूट करना पसंद नहीं है। बट मैं इसीलिए लेती हूँ ताकि आप सब लोगों को एक अच्छा मैसेज मिले और जो लोग मतलब ऐसा नहीं करते वो लोग भी ऐसा करें। सिर्फ यही मेरा रीज़न है ऐसे रोटियों की वीडियो शूट करने का। वेल मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं किन के लिए ये रोटियाँ बना रही हूँ। दोस्तों सारे की सारी रोटियां बन गई है और मैं दिखाती हूँ अब आपको। चलो तो ये वो लोग हैं जिनके लिए मैं रोटियां बना रही हूँ, और एक बाइक के नीचे दो ये रहे, वैसे चार यहाँ रहते हैं, और मेरा डेली का है दोस्तों। देखो अभी मैं इनको आवाज़ देती हूँ। हेलो हेलो, वो देखो दूसरे पे गुस्सा हो रहा है। नहीं लड़ाई नहीं करनी है, इधर देख लुक या, लड़ाई नहीं करनी है किसी को भी, मारूंगी। आ रही हूँ मैं अभी, चलो। तो अभी मैं चलती हूँ इनके पास। तो इनका खाना हो गया रेडी, तो चलते हैं हम लोग। ये रहा इन लोगों का खाना और ये रखा है पानी। एक ये रहा, इसका नाम है शेरू, जो कि बहुत लड़ाकू है, सबसे लड़ता है, किसी को खाने नहीं देता, बदतमीज बच्चा है। तो यहाँ हम सबको खाना देंगे थोड़ा थोड़ा। बाकी सबको भी देंगे, तो चलते हैं दोस्तों बाकी सबको खाना देने। उधर खा ले, ले। यहाँ पे एक ठोर छुपा हुआ है। हाँ, इसके अंदर आ जा, ले 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 ले। एक ओ, एक और आ गया। ये देख, ये कहाँ छुपा हुआ है बेचारा। डर के रहता। कोई बात नहीं, वो तो दीजिएगा तो वह ही जाएगा। वो थोड़ा सा हाँ। हाँ। अरे ये खा लिया अपना, खा के फिर आया। हाँ, ये खाने नहीं देता किसी को। ये कितना वे अच्छा से बैठ के खा रहा है। ऐसे ही रहता है ऐसे ही दोस्तों। एक वो डर रहा है, उसको मैं खिलाऊंगी, तभी जाती हूँ उनको खिला के, फिर आपसे मिलते हैं दोस्तों। आ गया एक खा के। कर दो बंद। तो दोस्तों इवनिंग हो गई है और मैं अभी थोड़ी देर पहले उठी। बाबू अभी अभी जस्ट आए हैं और मौसम बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा मौसम हुआ है दोस्तों। शायद बारिश हो सकती है लेकिन बारिश हो नहीं रही है, ऐसा 3-4 दिन से बन रहा है लेकिन बारिश नहीं होती है। तो अभी बड़ा स्वेल स्वेल हो गया था मुँह, लेकिन मैंने फेस वॉश किया, थोड़ा सा लिपस्टिक लगाया और मैं रेडी हो गई हूँ। तो अभी देखते हैं कि वो लोग क्या कर रहे। चलिए तो दोस्तों ये आ गए हैं। बाबू बाहर गए थे कुछ सामान लेकर आए, और वो 9-2-11 हो जाता है, पता नहीं क्यों मुझे देखकर हमेशा भाग जाता है। क्या लेके आई है? इसमें किशमिश, नमक, नहीं तेल, सब घर का सामान है। ठंडा ठंडा क्या है ये? दूध है, दही है, दही है, दही। ये सब क्या है? सोयाबीन है। सोया सोयाबीन। तो दोस्तों ये रहा अंकित। हेलो अंकित। और वेदर दोस्तों बहुत अच्छा हुआ है। तो दोस्तों ये मेरे लिए कुछ प्रेजेंट लेके आया, बट इसको देने में इतना शर्म आ रहा है। नहीं नहीं रुको रुको रुको, एक मिनट लो। अरे वैसे कुछ भी नहीं है, लेकिन ये मैं लेके अब खोल के देखिए अपनी प्यारी भाभी के लिए। फेवरेट गिफ्ट आराम से बांधा हुआ है। तो दोस्तों बाहर आ जाते हैं, खाने खाते हैं। अच्छा तुमने पोछे लटका के रखे, बैकग्राउंड खराब हो जाता है दोस्तों। पोछे मैंने हटा दिए। तो ये ओह वाओ, ये बैग है, वेरी नाइस। तो दोस्तों अंकित मेरे लिए बैग लेके आया, देख रहे हैं आप? ट्रैवल स्पेशल ट्रैवल। इट्स वेरी नाइस यार, वेरी नाइस। बेल्ट भी दिया है इसमें, बहुत अच्छा बैग है ना, और लेदर बैग है। थैंक यू सो मच यार। तो ये इन जहाँ से भी लेके आया मुझे नहीं पता, मैं उस चीज़ को प्रमोट नहीं करूँगी, लेकिन बहुत बहुत अच्छा बैग है और काफ़ी मजबूत है यार। अब अंकित का कुछ बर्थडे वर्थडे आएगा तो हमको इससे भी ज़्यादा अच्छा करना पड़ेगा। नहीं लेकिन बहुत अच्छा है। और दोस्तों मौसम बहुत अच्छा हुआ, लेकिन बारिश नहीं हो रही है यार, बारिश बिल्कुल भी नहीं हो रही है यहाँ पे।
बाकी अभी बनाएंगे चाय और थोड़ी देर में मैं आप लोगों से मिलती हूँ। तो दोस्तों, मुझे आप लोगों के साथ एक चीज़ और शेयर करनी थी जो कि मैं अभी तक मैं नहीं अपने ब्लॉग में कर पाई हूँ। शायद मुझे उतनी हिम्मत नहीं मिली या आई डोंट नो व्हाई, मैंने करने का सोचा था बट मैं नहीं कर पाई। जिसने मेरा शॉर्ट्स देखा होगा उन लोग को तो पता ही होगा कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। आई लॉस्ट माई टफी 6 तारीख को इसी महीने की, 6th of April आई लॉस्ट हिम एंड आई टोटली ब्रोक, लाइक आई लिटरली लाइक लॉस्ट माई हार्ट। आई लव्ड हिम सो मच एंड उसका कोई एज नहीं था जाने का, ही वॉज जस्ट ओनली 6 years old। मतलब मैं आपको बता नहीं सकती मैं क्या फील करती हूँ जब मैं इन छोटे छोटे बच्चों से मिलती हूँ जिनको मैं आपको कई बार अपने ब्लॉग्स में दिखाती हूँ। मेरे को बहुत बहुत ज़्यादा याद आती है, बहुत बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ उसको। और सबसे बुरी चीज़ मेरे साथ ये हुई कि मैं उससे लास्ट टाइम मिल भी नहीं पाई, मैं नहीं मिल पाई जब फर्स्ट टाइम वो आया था। वो मेरी गोदी में, मतलब भाई लेके आया था, तो मैंने उसको फर्स्ट टाइम गोदी लिया था और मैंने ही उसका नाम टफी रखा था। और बहुत केयर करती थी, छोटी थी जब वो छोटा था तो मैं उसका सारा सपोर्टी वोटी मैं करती थी। हाँ, जैसे जैसे वो बड़ा हो गया तो मेरा भाई ज़्यादा उसको सपोर्टी के लिए लेके जाता था, लेकिन छोटे पर मैं ही उसको केयर करती थी। और ये चीज़ बहुत, अभी कहते हैं ना, एक इंसान की लाइफ में बहुत सा टाइम ऐसा आता है कि बैड टाइम, तो मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए बड़ा ही बैड टाइम, बिकॉज आई लॉस्ट माय ग्रैंडफादर 4 जनवरी को, हमने उनको खो दिया, और अभी 6 अप्रैल को टफी चला गया। तो बहुत सी चीज़ें ख़राब हो गई। टफी वापस कभी नहीं आ सकता है, लेकिन उसकी यादें मेरे साथ हमेशा है एंड मेरे लिए वो चीज़ें बहुत मुश्किल है कि मैं उसको कभी भूल ही नहीं सकती। उसकी यादें मेरे साथ हमेशा, कोई और डॉग भी इवन उसकी जगह कभी नहीं ले सकता है, लेकिन मेरे दिल को बड़ी तसल्ली मिलती है जब मैं इन लोगों के साथ अपना टाइम स्पेंड करती हूँ या इनको खाना देती हूँ। या हालांकि ये चीज़ें मुझे पहले से पसंद है, लेकिन अभी इस दौरान में मुझे बड़ी एक दिल को संतुष्टि मिलती है। तो यही चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही थी कि ऐसा ऐसा अभी पीछे हुआ, हिम्मत नहीं हुई कि मैं ब्लॉग्स में शेयर करूं, बट टुडे आई शेयर्ड। कई बार दोस्तों ये सोचती हूँ कि एक डॉग, फिर से मैं एक डॉग को लेकर आऊं बिल्कुल टफी के जैसा, लेकिन फिर सोचती हूँ कि यार क्या ही करूँगी। मतलब बहुत इमोशनली हम अटैच हो जाते हैं, लेकिन मेरे पास टफी की यादें बहुत है, उसके साथ मैं रह लूँगी, लेकिन पता नहीं आगे की, आके देखेंगे, शायद मैं लेकर आऊँ नहीं लेके आऊँ, पता नहीं। बट अभी मैं फ़िलहाल के लिए तो रेडी नहीं हूँ। मैं अपने जो ये मेरे बच्चे हैं या स्ट्रीट में रहते हैं, मैं इनके साथ ही बहुत खुश रहती हूँ। होगा तो क्या पता मैं इन्हीं में से किसी एक को अपने साथ रखूँ, जो कि सबको रखना पॉसिबल नहीं है घर में। बाकी देखते हैं दोस्तों। अभी हो गई है रात और मैं बना रही हूँ मैगी सबके लिए। आप लोग कहोगे कि डिनर में मैगी कौन खाता है, कभी कभी चलता है। तो मैगी बना रही हूँ मैंने सुबह बनाया था राजमा, तो मैं को राजमा बहुत पसंद है, तो मैं शायद 1-2 चपाती राजमा के साथ खाऊंगी और हम खाएंगे मैगी। तो ये बन रही है दोस्तों मैगी, अभी प्याज भून रही है, मैं वेजिटेबल मैगी बना रही हूँ। आई होप अच्छी बनेगी, बहुत टाइम हो गया, काफ़ी टाइम बाद बना रही हूँ, तो बनाती फिर मिलती हूँ। तो मैगी मेरी बन गई है फ्रेंड्स, क्या मस्त कलर लग रहा है और यम्मी यम्मी, जिसको खानी है आ जाओ वेजिटेबल मैगी दोस्तों। कैसी बनी? बढ़िया। झूठ नहीं, सच बोलो, जो अभी बात चल रही थी बैकग्राउंड में, पीछे कैमरे के पीछे। थोड़ा मैं ज्यादा अच्छी बनाता हूँ। सही है, सही है। आपको कैसी लगी अंकित? एकदम बढ़िया बा, मस्त बा। अंकित तो तीखा कम खाता है इसलिए उसको दोस्तों सही लगी। हाँ। है ना, तीखा कम। हाँ।
तो अभी लस्सी और नूडल्स हम खा रहे हैं। चीयर्स दोस्तों। नहीं सॉरी, कोल्ड ड्रिंक और नूडल्स लस्सी के बाद बनाई जाएंगी, जो कि आप ही बनाएंगे। आप ही बनाओगे ना? यही बनाएंगे दोस्तों। शेफ शुभम सिंह सीकरवार। बहुत गंदे नूडल्स बनाए थे। वो बेचारी हंस के पागल हो गई। अच्छा बना है, क्योंकि ये लोग कम तीखा खाते हैं। तो दोस्तों बाबू स्पेशल लस्सी बन गई है। अरे गिरा रहे हो तुम डालने से ज्यादा, तो गिराओ मत। क्या कर रहे हो? ये आ गई हमारी ठंडी ठंडी लस्सी। आओ दोस्तों पी लो आप लोग भी। दोस्तों चीयर्स। कैसी बनी पी के बताओ। हाँ खींच के फेंक फिर तुम। हम तुम बताओ बाबू कैसी बनी। इधर देखो ना, अच्छी बनी। तो दोस्तों हम लोग भी पी लेते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से। तो रात हो गई है और बारिश भी शुरू हो गई है। तो आपको ये आज का मेरा व्लॉग कैसा लगा, प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। लव यू ऑल, गुड नाइट, बाई।